हाय एवरीवन, आज दूसरा दिन। आज हम लोग कल हम लोग थे आपका दामरा रोड में थे हम लोग, जो तुरा लाइन मेघालय का लाइन में जो था, हम लोग का दामरा रोड में जो ऑफिस था उधर में हम लोग विजिट करने आए थे। वो कंप्लीट हो गया विजिट करना, तो हम लोग आज जैसे हम लोग आप लोगों को कल बोला था, हम लोग ग्वालपारा जाने वाले हैं। तो ग्वालपारा से आज हम लोग आया लखीपुर। लखीपुर में ग्वालपारा से थोड़ा अंदर है, करीबन 25-30 किलोमीटर का रास्ता है। हम लोग लखीपुर आए हैं। लखीपुर में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, आप मेरा पीछे देख सकते हो पब्लिक का कितना समागम हुआ है। इधर में बहुत सारा पब्लिक आया है। हम लोग आज इधर में जस्ट टेरिटरी देखने के लिए आए, साथ में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, और देखता है वो कैसा रिजल्ट होता है हम लोग का, आज कैसा फीडबैक मिलता है कस्टमर से। और हम लोग का तो प्रोडक्ट का फीडबैक है ही। हम लोग आज 15 साल से कंपनी काम कर रहा है ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट में, और इंडिया का बाहर मुंबई में भी हम लोग का ब्रांचेस है और दिल्ली में भी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग और कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में हम लोग जा पाए, अलग अलग स्टेट में हम लोग का कंपनी को प्रमोट कर पाए। और साथ में काफ़ी सारा लड़का लड़की जो ऐसे मतलब जो काम नहीं है ऐसे बेकार बैठा हुआ है, तो एक संस्थापन निबुनवा जैसा हो गया ना, बहुत सारा निबुनवा है जो उन लोगों को काम नहीं मिला, हम लोग का कंपनी का जरिए से एक वो लोग को संस्थापन देने का हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ करे वो लोग, कुछ मिले वो लोग को, कुछ अर्निंग मिले, कुछ वो लोग कर पाए यंग जनरेशन। तो उस वजह से हम लोग हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में हम लोग ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हम लोग का जो प्रोसेस है थोड़ा आप लोग को दिखाएंगे, कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कैसे हम लोग प्रमोशन करते हैं कंपनी का, तो आप लोग देखिए थोड़ा बहुत। আপনার বডির বেমার রিলেটেড কিনা সমস্যা যদি আছে আমার এই যোগাযোগ করো, আমি ফ্রিকে আপনার বডিটি পিএমআই মেশিনের যোগে চেক আপ করে দিই। আহ ফ্রি বডি চেক আপর ক্যাম্পেইনিং হয়ে আছে, আপনার বডির বেমার রিলেটেড কিনা সমস্যা যদি আছে আমার ইয়াতে আহক, আমি ফ্রিকে আপনার বডিটি পিএমআই বডি চেক আপ দুটো হেল্প আমার পিএমআই মেশিন আছে সেই দিকে আমি আপনার হেল্থও চেক আপ করে দিব। ইয়ার যোগে আপনার গম পাব আপনার বডির ফেট পার্সেন্টেজ কি আছে, বডি মেটাবলিজম কি আছে, ওয়াটার লেভেল কি আছে, আপনার ঘর ওর নিবনার লোকালে যদি বেকার বহি আছে আমার ইয়াতে যোগাযোগ করা কোম্পানির তরফের মাহ 10,000 টাকা থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ফ্রি আছে। আহক রাইস আহক বিভিন্ন ধরনের বেমারও লিখা আছে, প্লাস চকু রশ্মি বাড়ি, স্কিন প্রবলেম কাম করব, গেস্ট্রিক এসিডিটি, আলসার গেস্ট্রিক, ফুস প্রেসার দিলে নয়, ডাইজেস্টিভ হজম নয়, শক্তি বল নাপায়, প্রাকৃতিক আয়রন ক্যালসিয়াম ভিটামিন পাব। हाय दोस्तों, हाय एवरीवन, आज एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूँ एक नया वीडियो, और दिखाने वाला हूँ एक ग्वालपारा में हूँ हम लोग, एक ऐसी साइट है, आर्कोलॉजिकल साइट है ये, और ये साइट को जाना जाता है सूर्य पहाड़ से, श्री श्री सूर्य पहाड़। तो इधर में 999,999 मतलब 1,00,000 से एक शिवलिंग कम है इधर में स्थापित किया है, इधर में स्थापित है, इधर में मतलब 99,999 शिवलिंग इधर में स्थापित है। तो वही जगह का नाम है श्री सूर्य पहाड़, और हम लोग आज इधर में विजिट करने के लिए आए हैं। हम लोग ऑफिस विजिट करने के लिए आए थे, तो हम लोग जाने का टाइम में अभी फिलहाल वापस ही गुवाहाटी का ओर जा रहे हैं। तो गुवाहाटी का ओर जाने का टाइम से हम लोग सोचा है कि ये जगह थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। हम लोग तो सारा शिवलिंग नहीं दिखा पाएंगे आपको, लेकिन हाँ समुद्र का जो व्यू वगैरह है आप लोग को वीडियो में दिखाते रहेंगे, हम लोग का वीडियो में बने रहिएगा। और ये 200 साल पुराना, 200 साल पुराना ये स्पॉट है, इधर में 200 साल पुराना ये जगह को ऋषि मुनि लोग आके स्थापित किया था, और हस्तशिल्प जो हाथ से पत्थर को काट के मतलब शिवलिंग बनाया गया था, और इस जगह को सेकंड काशी का नाम से भी जाना जाता है, श्री सूर्य पहाड़, ये ग्वालपारा में स्थित है।
इस जगह में जो सूर्य पहाड़ है, हम लोग को तीन धर्म का मिलन दिखा जाएगा, जो महामिलन बोलता है। एक है बुद्ध धर्म, एक है हिंदू धर्म, एक है जैन धर्म। तो ये तीनों धर्म का इधर में हम लोग को मिलन दिखा जाएगा। तीन साइड में, जो एक साइड में बुद्ध धर्म का मंदिर है, एक साइड में हिंदू धर्म का मंदिर है, और एक साइड में जैन धर्म का भी मंदिर है। तो आप लोग को दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे कौन सा मंदिर है। तो पूरे भारत में टोटल 7 सूर्य मंदिर है, उसमें से एक ये इस जगह को भी जाना जाता है, सूर्य मंदिर, जो ग्वालपारा में मतलब स्थापित है। टोटल 7 है ऑल ओवर, मतलब भारत में मतलब 7 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर जो सूर्य मंदिर है वो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। आप लोग आइएगा देखने के लिए, बहुत सुंदर है। आपको अभी दिखाएंगे जो सूर्य मंदिर है, उसका मंदिर का दृश्य आप लोग को अभी दिखाएंगे हम लोग। ये रहा, সেইটো আপনাৰ শিৱশক্তি শিৱ কিশোৰ মন্দিৰ, হয় হয়। তাৰ ইপিনেটো হ'ল আপোনাৰ শিৱলিংগ মন্দিৰ। আচ্ছা, এইপিনে আপোনালোকে গৈ গৈ যাব, তাত গৈ এটা হনুমান মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ। আচ্ছা, ৰাজা দিনিয়াৰ ধুনি গৃহ, আচ্ছা, সেইটো এটা মন্দিৰ, হয়। দ্বাদশ মন্দিৰ অৰ্থাৎ বিষ্ণু মন্দিৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ, আকাশী গংগা, আকাশী গংগা। আপনালকে গৈ যদি থাকে ইদি, তেতিয়াহলে তাত পাব আপনালকে বুদ্ধ, গণেশ, সেপাহী। আচ্ছা, এটা তিনটা ধর্মর মিলন হয়েছে না? বুদ্ধি, বুদ্ধ, গণেশ, সেপাহী, সেপাহী। আচ্ছা আচ্ছা, হম, এ ভি এক মন্দির হ্যাঁ, মে আমলোক যা রা শিব শক্তি ত্রিশূল মন্দির। আবি থোড়া আমলোক প্রণাম করতে কে যা রা অন্দর মে শিবজি কা মন্দির হ্যাঁ, বাবা ভোলেনাথ কা মন্দির, ওম নম শিবায়। মন্দির মে আমলোক আবি এন্ট্রি হো চুকে হ্যাঁ, আবি দিখায়েঙ্গে আপলোক কো মন্দির শিবজি কা। রাম 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 প্রভু। अभी हम लोग जा रहे हैं विष्णु जी का दर्शन करने के लिए। विष्णु जी का दशभुजा अवतार इधर में है, दशभुजा अवतार इधर में है। तो यही विष्णु जी का मंदिर है, थोड़ा आगे ही हम लोग जाएंगे, अभी आप लोग को दिखाएंगे विष्णु जी का मंदिर, दशभुजा अवतार। में 200 साल पहले ही ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को जो हस्तशिल्प मतलब पत्थर में जो काट के भगवान बनाया जाता था, तो वही इधर में ट्रेनिंग दिया जाता है। ऊपर में वो लोग का जो स्कूल मतलब ट्रेनिंग सेंटर बोलता है, ऊपर में है, आप लोगों को जाके दिखाएंगे कहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता था। ऋषि मुनि लोग अपने शिष्यों को मतलब हस्तशिल्प का ट्रेनिंग देता था। यही है विष्णु मंदिर, ये रहा विष्णु जी। अभी पंडित जी कुछ बताएंगे आप लोग को। ये ऊपर में जो है, जो मूर्तियाँ है ना, हाँ, ये विष्णु का मूर्तियाँ है, हाँ। ये बारह बाहु लेकर ये पद्म से ऊपर में माथा ऊपर में सर्प लेकर खड़ा रहा था, हाँ। ये विष्णु का विश्व रूप था, विश्व रूप, हाँ। ये तीनों एक साथ में है, हाँ। ये शिव जी है, हाँ। विष्णु जी है और शिव जी है, हाँ। ये मंदिर में ये गणेश जी है, हाँ। ये अच्छा गणेश जी, गणेश जी, ये हर और हरी है, हर और हरी। ये अर्धनारीश्वर है, हाँ। ये अर्धनारीश्वर और वो दोनों ईश्वर का द्वारपाल जय और विजय है, हाँ। ये सब सारा चतुर्पाश में ये शिवलिंग है, हाँ। शिवलिंग के अंदर में चतुर्भुज में ये विष्णु का पेड़ का प्रदक्षिण है, हाँ।
और ये दोनों शिव जी है, शिव पार्वती का गुफा है और आगे में एक तो है ये गणेश जी है, ये तुलसी माँ के यह पेड़ का प्रोडक्शन है। ये उस समय से दुर्गु स्थान ये किए, हम दुर्गु के ये स्थान ये है। क्या था ये पंडित जी? ये होम सूत्र का कुंडो है, कुंड है, होम जगह का कुंड ना, कुंड का ये है। ये बसरी में वार्षिक अनुष्ठान बाकी पूर्णिमा से शुरू हुआ था, लेकिन 9 दिन नवरात्रि होम चलता रहा था। ये विष्णु का हाथ में यह शंख है, ये ऊपर में ये चक्र है और ऊपर में गदा है और ऊपर में कमल का पाही चाहिए, ऐसा कर कर रहा था ऊपर में। ये पर 99,999 शिवलिंग है। इसी पास के सूर्या पहाड़ में इंडिया से द्वितीय काशीधाम बोलता था, काशीधाम सेकेंड काशीधाम। ये सनातन धर्म मूल प्रथम ये भी स्थापित हुआ था। ये तीनों स्थान में विभक्त करता था, ये भाग करता था ये, लेकिन जो बाहर में एक तो रास्ता गया था ये बुद्ध स्तूप है और उसी पार्ट में बड़ा एक तो साइनबोर्ड लगा था, ये एक रास्ता सोल गया था, उसी पर जाने से थे जैन मंदिर मिलेगा। जैन मंदिर, बुद्ध मंदिर और हिंदू मंदिर, हिंदू बोली नहीं है, हिंदू का ये सनातन धर्म का मूल सनातन धर्म का मंदिर है। हाँ हाँ, ये भी है। आकाशी गंगा ऊपर में है ना? आकाशी गंगा ऊपर में थोड़ा सा पानी रहा था, उस पानी से पूजा पाठ चलता था और खाने से बाद से बीमार आता। वो कहाँ पे है? वो मैं गुफा में अंदर में है, ऊपर से जाना पड़ेगा ना, उधर से जाना पड़ेगा। ये रास्ता भी है, ये रहा मंदिर, आप लोग देख सकते हो। ऊपर वाला विष्णु जी है और ये विष्णु जी का शंख बताया जाता है, ये विष्णु जी का शंख है बताया जाता है। पंडित जी बोल रहा था ये विष्णु जी का शंख है। और इधर में एक कुंड है जो यज्ञ वगैरह होता था पहले, पूजा वगैरह इसी कुंड का अंदर में होता था। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो 200 साल पुराना है और बहुत बड़ा, 150 मतलब बहुत बड़ा है ये, 200-300 गज से भी बड़ा है। जहाँ पे भी जाओ शिवलिंग ही शिवलिंग दिखता है। अरे देखिए बहुत बड़ा। इधर में जितना सारा शिवलिंग है सारा हाथ से बनाया गया है। इधर का पहले जो ऋषि मुनि लोग था, एक इधर में सेगन काशी बनाने का एक प्रयास कर रहा था और इधर में मतलब 99,999 वो लोग ने शिवलिंग खुद का हाथ से पत्थर में बनाया है। जहाँ पे भी जाओ इधर में शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिलेगा। अभी काउंट करके तो बता नहीं सकते लेकिन आप लोग को दिखाएंगे जितना सारा हो सके। ये देखिए ऊपर में भी एक शिवलिंग है, जहाँ पे भी जाओ शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिलेगा। जितना सारा शिवलिंग है ये सब हाथ से बनाया गया है। अभी हम लोग गुफा का अंदर से जाएंगे, इसी को ही आकाशी गंगा बोला जाता है। हम लोग को दिखाएंगे, रुकिए। ये रहा, ये देख सकते हो पानी, किसी को आकाशी गंगा बोला जाता है। ये पानी कहाँ से आता है किसी को पता नहीं। और इधर का ऋषि मुनि लोग बोलता है ये आसमान से आके इधर में जमा होता है। ये पानी पीने से बहुत बीमार जो होता है, जो भी जितना भी बड़ा बीमार हो ठीक होता है। ये गुफा का अंदर में है आकाशी गंगा।
अभी निकल चुके हैं हम लोग गोवा का अंदर से, अभी उस साइड जाएंगे जहाँ पे मतलब बुद्ध मंदिर है और जैन मंदिर भी है। चलिए, ये शिव मंदिर है, इसे ये दिखाई दे रहा है तुम्हें सारा। हाँ, शिव जी का मंदिर है इसका, वो शिव बाबा का जगह। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है? राजेश दास। राजेश दास, हाँ। अच्छा, गोत्र बड़ा है तो आपका? काश्यप गोत्र। काश्यप, हाँ। ध्यान करो, आगे ध्यान करो, तारपोरे हमें। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर की ओर, ऊपर में हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर के सामने बहुत आप लोग को दिखने देखने को मिलेगा बंदर, बहुत सारा बंदर है इधर में, और वो लोग मोबाइल वोबाइल खींच के लेके जाता है। बहुत सेफ्टी से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। हो रहा बंदर ही बंदर, यह है हनुमान मंदिर। नमस्कार, नमस्कार, यह है हनुमान जी का मंदिर। ये रहा, ये हनुमान जी का प्रतिमूर्ति। जय बजरंग बली महावीर हनुमान जी पवित्र श्री बजरंग बली की जय। इधर में जहाँ भी देखो शिवलिंग ही शिवलिंग, क्योंकि इधर में वो ट्रेनिंग दिया जाता था ना इधर में, और जो हस्तशिल्प जो शिष्य वगैरह था ऋषि मुनि लोग को इधर में पत्थर में ट्रेनिंग दिया जाता था कैसे भगवान बनाते हैं, पत्थर काट काट के शिवलिंग का ट्रेनिंग दिया जाता था, इसलिए इतना मतलब मुमकिन हो सका, 1 लाख में से एक कम मतलब 99,999 शिवलिंग इधर में स्थापित है, बनाया है वो लोग ने। एक सैगन काशी का मतलब दर्जा देने वाले थे वो लोग, ये सैगन काशी एक ही बाकी रह गया, वो भी बना लेते। और 1950 में एक अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक का वजह से ऊपर का जितना सारा लिंक वगैरह था पत्थर था वो सारा नीचे ऐसे मतलब ढल के आ गया है, आप लोगों को दिखाएंगे उसका। ये रहा, ये रहा अर्थक्वेक का वजह से जो मतलब बह के आया था सारा पत्थर वगैरह बड़ा बड़ा लिंग वगैरह, आप लोग देख सकते हो। ये 1950 में हुआ था अर्थक्वेक। इधर में भी जहाँ में भी देखो शिवलिंग ही शिवलिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्ध मंदिर के ओर। ये रहा, यह है बुद्ध स्तूपा। ये रहा, हाँ, बुद्ध जी का स्तूपा, बुद्धिज्म का स्तूपा। ये मंदिर, ये जो लिंग है इसमें पहले जब बनाया जा रहा था इसमें एक आपको दिख ही रहा होगा वो एक हार का तरह ये डिज़ाइन किया गया था पहले ही, सब में तीनों में था, थोड़ा पुराना हो चुके बोल के अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए शिवलिंग का गले में हार, ये 3 स्तूपा है बुद्धिज्म का। यही वही प्लेस है जहाँ पे 9th-10th सेंचुरी में ऋषि मुनि लोग और जो मतलब हैंडक्राफ्ट आपका जो पत्थर में मतलब हस्तशिल्प जैसे पत्थर में शिवलिंग बनाने का ट्रेनिंग इधर ही दिया करता था। थोड़ा बारिश दे रहा है, थोड़ा बारिश दे रहा है, अभी 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 तो धूप था लेकिन अभी अच्छा है, अभी बारिश दे रहा है। यही वो जगह है, इधर में अंदर में जाना अलाउड नहीं है, फिर भी
आप लोग को इधर से दिखा रहा हूँ। यही वही प्लेस है जहाँ पे 9th-10th century में ऋषि मुनि लोग अपने शिष्य लोग को जो पत्थर में शिवलिंग बनाने का ट्रेनिंग दिया करता था, यही वो जगह है। आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाया गया है और आगे हम लोग जाएंगे अभी जैन मंदिर की ओर। उधर में भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह है, कुछ मतलब ऐसे ही कुछ प्राचीन का जो 9th-10th century में शिवलिंग जो बनाया गया था पत्थर में, उधर में भी बहुत सारा है। जैन का मतलब जैन का मूर्ति भी है उधर में, वो सब भी आप लोग को दिखाएंगे। ये एक स्तूपा है जैन मंदिर का, शिवलिंग का ही। ये रहा जैन कैफ। अभी हम लोग जैन गुफा की ओर जा रहे हैं। हाँ, आप लोग इधर में जहाँ पे भी घूमो खाली शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिलेगा। इतना एक लाख में से एक खाली कम है, तो सोचिए कितना शिवलिंग होगा। जहाँ पे भी जितना भी पत्थर है सब में शिव जी का लिंग, शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है बनाया गया है। आगे भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो रहा एक शिव जी शिवलिंग जो कि पत्थर में बनाया है। ये गुफा है जैन गुफा, जैन केव बोलते हैं इसको। ये रहा जैन गुफा। अभी चलते हैं हम लोग गुफा के अंदर। अभी हम लोग गुफा के अंदर आ चुके हैं, बहुत ही अंदर है गुफा का, अंदर अंदर से हम लोग जा रहे हैं। ये रहा जैन जी का मूर्ति। ऋषि मुनि लोग थे, उनका शिष्यों ने बनाया है। यह है आदिनाथ, यह है आदिनाथ और यह है नमीनाथ। यह है इनका शिष्य नमीनाथ और यह है आदिनाथ जैन जैन मंदिर और यह है नमीनाथ। अभी हो गया हम लोग का विजिट। ड्रोन का थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, बारिश भी हो रहा है, इस वजह से हम लोग ने थोड़ा सा ही ले पाया ड्रोन का फुटेज। बाकी अभी बारिश थोड़ा कम है, फिर भी बारिश दे रहा है थोड़ा थोड़ा करके। अभी हम लोग फिर वापसी गुवाहाटी की ओर जाएंगे और देखते हैं फिर हम लोग का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बोराक वैली साइड है। हम लोग का उधर में 3 ब्रांचेस है, हाइलाकांदी, करीमगंज एंड सिलचौर। उधर का भी हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, उधर का भी जो एक्टिविटीज़ होगा वो हम लोग को आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग हम लोग का चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।